मध्य प्रदेश के बासमती चावल को मान्यता दिलाने के लिए शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवराज सरकार का कहना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बासमती चावल परंपरागत तरीके से होता आया है और इसी आधार पर जीआई टैग की मांग की गई थी, जिसकी याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर राज्य के बीच जारी संघर्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने बासमती चावल की जीआई टैग सूची से मध्य प्रदेश को बाहर कर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में परंपरागत तरीके से बासमती धान की खेती होती है, इसी आधार पर जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के लिए आवेदन किया गया था। शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला आया था, जिसे लेकर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDAC ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदेश के पक्ष को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश में परंपरागत तौर पर कई जिलों में बासमती धान की खेती होती है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसानों को बीज उपलब्ध कराया, खेती कराई, लेकिन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम नहीं होने से इसे मान्यता नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां के बासमती धान को सही कीमत नहीं मिल पाती। कमल पटेल का कहना है कि कमलनाथ सरकार को जिस दमदारी से इस मामले को लड़ना चाहिए था, वैसा उन्होंने नहीं किया। बासमती चावल का परंपरागत तरीके से पैदा करने वाला प्रदेश है, यहाँ बहुत ही अच्छी किस्म का बासमती चावल होता है, लेकिन जीआई टैग में पिछड़ गए। पिछली कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए हम उसमें पिछड़ गए, जीआई टैग नहीं हो पाया। अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो मद्रास उच्च न्यायालय में हमारे खिलाफ निर्णय हुआ, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और 28 मई को हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। हमने एक अधिवक्ता भी नियुक्त कर दिया है और मध्य प्रदेश का पक्ष रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश जो परंपरागत रूप से सबसे पहले सबसे अच्छा बासमती चावल पैदा करता है, उत्पादन करता है, उसको जीआई टैग मिलेगा, ताकि हमारे किसानों को जो अभी बहुत कम रेट में हमारा जीआई टैग नहीं होने के कारण बासमती चावल को मान्यता नहीं मिली है और जीआई टैग नहीं होने से उनको भाव नहीं मिलते हैं, उनको उचित मूल्य मिलेगा और हमारी परंपरागत खेती हम जो बासमती चावल का मध्य प्रदेश कर रहा है, जिसकी पहचान थी, वापस मिलेगी। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। और संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।